हमारे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ टैक्स इनवॉइस के साथ ये दो बटन ऐड किए थे, पहला इनवॉइस डेटा को सेव करने के लिए और दूसरा न्यू इनवॉइस के लिए। सेव डेटा बटन पर क्लिक करके यूजर टैक्स इनवॉइस के डेटा को किसी अन्य शीट पर ऑटोमेटिकली सेव कर सकता है और न्यू इनवॉइस बटन पर क्लिक करने से टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट ब्लैंक हो जाएगा और इनवॉइस नंबर अपग्रेड हो जाएगा, जिससे यूजर नई इनवॉइस आसानी से बना सकता है। आज के वीडियो में हम यहाँ पर दो बटन और ऐड करेंगे, एक प्रिंट प्रीव्यू के लिए और दूसरा प्रिंट के लिए। इस तरह से प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके यूजर टैक्स इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देख सकता है और यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके यूजर डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है। आप यहाँ डेमो में देखिए, प्रीव्यू बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैक्स इनवॉइस का प्रीव्यू आ जाएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए टैक्स इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। क्लोज करते हैं इसको। अब यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक किया तो ये प्रिंटिंग का पॉपअप आ गया है। क्योंकि हमने हमारे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच नहीं किया है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ फाइल नेम देकर डॉक्यूमेंट को यहाँ से पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं व ये देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट बटन को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बटन क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर जाएंगे और शेप्स पर जाएंगे और यहां से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। शेप आउटलाइन पर जाएंगे यहां से और नो आउटलाइन कर देंगे। शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे। शेप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रीसेट पर जाएंगे और यहां से ये प्रीसेट 1 पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर टाइप करेंगे प्रीव्यू, फॉर्मेट करेंगे इसको, होम पर जाकर फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 24 कर दिया है फॉन्ट साइज, सेंटर करेंगे इसको और बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक कर देंगे। ये देखिए प्रीव्यू का बटन तैयार हो गया है। सेलेक्ट करेंगे इस शेप को और कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी एक और कॉपी तैयार कर लेंगे। हमने प्रेस किया कंट्रोल और डी, ये देखिए एक कॉपी और यहां पर आ गई है। यहां से इसके टेक्स्ट को हम एडिट कर देंगे और इसको कर देंगे प्रिंट, यानी ये प्रीव्यू के लिए बटन तैयार हो गया और ये प्रिंट के लिए। तो सबसे पहले हम इनेबल करेंगे प्रीव्यू बटन को। प्रीव्यू बटन को इनेबल करने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे। उससे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके सिस्टम में ये डेवलपर टैब इनेबल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट ये डेवलपर टैब हिडन होता है। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ फाइल पर जाना होता है और यहाँ ऑप्शंस पर जाना होता है। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहां से ये कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड विंडो में यहां डेवलपर के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा और अगर ये चेकबॉक्स चेक नहीं है तो इसको चेक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। क्योंकि हमने पहले से ही चेक किया हुआ है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। डेवलपर टैब पर जाएंगे और यहां ये विजुअल बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने ये ब्लैंक मॉड्यूल नहीं आया है तो ब्लैंक मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए आप यहां इंसर्ट बटन पर क्लिक करके और मॉड्यूल पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर टाइप करेंगे सब स्पेस प्रिंट प्रीव्यू और एंटर प्रेस कर देंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू। अब यहां पर टाइप करेंगे एक्टिव शीट डॉट प्रिंट प्रीव्यू, बस इतना ही लिखना है। यहां से सेव कर देंगे इसको, सेव बटन पर क्लिक करके और इसको क्लोज कर देंगे यहां से।
चेक करते हैं प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके। ये बटन अभी काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें इसे उस कोड के लिए असाइन करना होगा जो अभी हमने लिखा है। उस शेप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कई सारे मैक्रो आपको दिख रहे हैं, इसको आप यहाँ से दिस वर्कबुक कर लीजिए तो आपको इसी वर्कबुक के मैक्रोस दिखेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं दिस वर्कबुक पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो सब्जेक्ट हमने टाइप किया था उधर प्रिंट प्रीव्यू के नाम से, वो यहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये प्रीव्यू बटन इनेबल हो गया है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैक्स इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। क्लिक करते हैं यहां पर। ये देखिए जैसे ही हमने प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने टैक्स इनवॉइस का प्रीव्यू आ गया है। क्लोज करेंगे यहां से। अब हमें इनेबल करना है प्रिंट बटन को, इसके लिए हम एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। डेवलपर टैब पर जाएंगे और यहां रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहां पर मैक्रो को कोई नेम दे देंगे। ध्यान रहे नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अन्यथा सेव नहीं हो पाएगा। तो हम यहां इसको नाम दे देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर मैक्रो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहां इंश्योर कर लीजिए कि ये दिस वर्कबुक पर होना चाहिए। यहां से ओके कर देंगे। अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। जो भी क्लिक और कमांड आप एक्सेल में देंगे वो मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगा। तो अब हम यहां फाइल पर जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहां पर पेज कर देंगे 1। यहां भी 1 कर देंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। इसको कैंसिल कर देंगे यहां से और मैक्रो रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो गया है। अब ये शेप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे। हमें इस शेप को असाइन करना है उस मैक्रो के लिए जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था। क्लिक कर देंगे यहां से। हमने अभी जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसका नाम था प्रिंट अंडरस्कोर मैक्रो। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब ये शेप उस मैक्रो के लिए असाइन हो गई है जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था। क्लिक करते हैं यहां पर। ये देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो डायरेक्ट प्रिंट कमांड चली गई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रिंटिंग का पॉपअप आ गया है। और क्योंकि हमने हमारे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच नहीं किया है तो यहां पर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आ गया है। आप यहां फाइल नेम देकर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में यहां सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं। ध्यान रहे मैक्रो रिकॉर्डेड फाइल को आप नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह सेव नहीं कर सकते, अन्यथा दोबारा खोलने पर मैक्रो काम नहीं करेगा। इसके लिए इसे सेव करना होता है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। इसे सेव करने के लिए यहां फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, लोकेशन दे देंगे यहां से और यहां सेव एज टाइप में आपको सिलेक्ट करना होता है ये ऑप्शन एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और यहां से सेव करना होता है। हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव किया हुआ है। इस तरह से बड़ी आसानी से आप प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट बटन भी क्रिएट कर सकते हैं।